वेलकम टू एक्सिम्बीज। चलिए जानते हैं इस हफ्ते के अपडेट्स। बुधवार 23 मार्च 2022 को भारत ने 400 अरब डॉलर का गुड्स एक्सपोर्ट्स करने का लक्ष्य पूरा किया। इस कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को ट्विटर के माध्यम से बधाई दी है। वित्तीय वर्ष 2022 में महीने का औसतन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 33 अरब डॉलर्स रहा। इससे पहले मार्च 2019 में पहली बार ये आंकड़ा 30 अरब डॉलर तक पहुंचा था। भारत से सबसे ज्यादा मूल्य के एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स में इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स शामिल है। डीजीएफटी के अनुसार भारत के कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र का योगदान 14% है, जिसमें चावल, फल और सब्जियां शामिल है। सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल SEPC ने मौजूदा सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम SEIS की जगह पर ड्यूटी रेमिशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज स्कीम TRESS लागू करने का सुझाव सरकार को दिया है। SEIS से सेवा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका लाभ निर्यातकों को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में मिलता है। भारत से होने वाले कुल एक्सपोर्ट में सेवा क्षेत्र का 40% योगदान है। बाकी क्षेत्रों के मुकाबले सरकार से इतने कम सहयोग के बावजूद सेवा क्षेत्र का भारत के GDP, FDI, रोजगार और निर्यात में भारी योगदान रहा है। इस क्षेत्र के योगदान को मान्यता देते हुए उसकी सराहना करने के लिए नए कदम उठाना जरूरी है, ऐसा SEPC के वाइस चेयरमैन करण राठौड़ ने कहा। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का सेवा निर्यात का लक्ष्य 240 अरब डॉलर्स है। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड MPIDC ने ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी ईबे के साथ एक समझौता किया है, जिससे मध्य प्रदेश के उद्योगों को अपना ऑनलाइन एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने में और उसका जागतिक स्तर पर विस्तार करने में सहायता मिलेगी। इस समझौते से ईबे की तरफ से मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए वेबिनार और वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन्हें ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल के बारे में समझाया जाएगा और दुनिया भर में उनके लिए क्या अवसर उपलब्ध हैं ये बताया जाएगा। ईबे इन उद्योगों और शिल्पकारों को उनका प्रोडक्ट पूरे विश्व में प्रमोट करने के लिए कैटलॉग बनाने और प्रोडक्ट इमेजिंग जैसी सेवाएं भी प्रदान करेगा। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश ट्रेड कॉन्फ्रेंस 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की उपस्थिति में इस समझौते पर MPIDC के एक्सपोर्ट कमिश्नर और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जॉन किंग्सले और ईबे के कंट्री मैनेजर श्री विद्या नैनी ने हस्ताक्षर किए। गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी से गेहूं खरीदने पर लगने वाला मंडी टैक्स हटाने का निर्णय लिया है। अब से निर्यातक एक ही लाइसेंस पर राज्य में किसी भी मंडी से या सीधे किसानों से गेहूं खरीद पाएंगे। राज्य सरकार ने मुख्य मंडियों में क्वालिटी सर्टिफिकेट्स के लिए लैब फैसिलिटी और प्रक्रिया के लिए बुनियादी ढांचा बनाने का भी निर्णय लिया है। अगर निर्यातकों को मुख्य मंडियों में एक्सपोर्ट हाउसेस बनाने के लिए जगह लगती है, तो उन्हें वो कम दामों में मुहैया कराई जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 मार्च को इस सिलसिले में केंद्रीय उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निर्यातकों द्वारा अनुरोधित सारी सेवाएं उन्हें प्राप्त कराने का सरकार ने प्रयास किया है और उन्हें यकीन है कि इन फैसलों से निर्यातकों के साथ किसानों का भी फायदा होगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बांग्लादेश, नेपाल, UAE, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतार, इंडोनेशिया, ओमन और मलेशिया ये भारतीय गेहूं के प्रमुख आयातक रहे। आशियाई और अफ्रीकी देश जो गेहूं के लिए रूस और यूक्रेन पर निर्भर थे, उन देशों में भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इन्हीं में से एक निर्णय ये लिया गया है कि भारतीय रेलवेज गेहूं निर्यात करने के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा से JNPT मुंबई तक
225 रेलगाड़ी या 50 फूड रैक का बंदोबस्त करेगी। शुक्रवार 25 मार्च 2022 को नीति आयोग ने राज्यों की उनके निर्यात की तैयारियों पर आधारित एक सूची जारी की, जिसमें गुजरात अव्वल स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और उसके बाद क्रमशः कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, यूपी, एमपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आते हैं। इस सूची के चार मुख्य स्तंभ हैं, जिनके आधार पर इसे बनाया गया है। एक पॉलिसी, दूसरा बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और चौथा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। सूची प्रकाशित करते समय नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021 ये राज्यों को अपनी निर्यात नीति बनाने में और उनकी निर्यात क्षमता का अधिकतम उपयोग करने में मदद करेगा। मरीन फिशरीज एक्सपर्ट श्री के अप्पुकुट्टन, जो सेंट्रल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, का कहना है कि ऐसे कई देश हैं जो केवल प्रमाणित उत्पादों का आयात करते हैं। हालांकि हर जगह ये अनिवार्य नहीं है, पर जल्द ही ये एक बेंचमार्क बन जाएगा और इस स्थिति को देखते हुए हमें तैयार रहना चाहिए। वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया के सहयोग से सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया SEAI द्वारा आयोजित एक प्री असेसमेंट में केरल से मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल MSC सर्टिफिकेट के लिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण ऐसी 5 प्रजातियों को चुना गया है, जिसमें स्क्विड, कटलफिश, ऑक्टोपस और 2 प्रकार के श्रिम्प, जिसमें से एक कार्यकारी श्रिम्प है, शामिल है। मरीन कंजर्वेशन प्रोग्राम के एसोसिएट डायरेक्टर श्री विनोद मलयलेथू ने कहा कि प्री असेसमेंट के वक्त उन्हें मत्स्य प्रबंधन सहित विभिन्न पहलुओं में कुछ कमियां मिली और इन्हें वो 2 मत्स्य सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस समय येलो क्लैम, जिसे आमतौर पर मसल्स भी कहा जाता है, भारत का इकलौता MSC सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। इन 5 प्रजातियों का पूरा मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन 2024-25 तक होने की उम्मीद है। कर्नाटका के उद्योग मंत्री श्री पी राजीव ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने हर जिले में MSME क्लिनिक शुरू किए हैं। इन क्लिनिक्स के माध्यम से व्यवसायिकों के शंकाओं का उस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया जाएगा। MSME क्लिनिक्स के पैनल पे करीब 168 विशेषज्ञ हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में माहिर हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट्स, लॉ, GST, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, लाइसेंसिंग, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट को ये आशा है कि ये क्लिनिक्स 2022 में 1,00,000 नए उद्योग शुरू करने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। जर्मनी के बर्लिन शहर में 5 से 7 अप्रैल 2022 तक फलों का व्यापारी मेला फ्रूट लॉजिस्टिका का आयोजन किया गया है। जर्मन सरकार ने 1 अप्रैल से कोविड-19 के सारे प्रतिबंध हटाने के कारण दुनिया भर के फलों के व्यापारी इसमें सहभागी हो सकते हैं। व्यापारियों को मेले में जाने के लिए कोई भी टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और रिकवरी का प्रमाण देने की जरूरत नहीं होगी। इस महीने की शुरुआत में सरकार ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs के आयात पर प्रतिबंध लगाए थे। अब DGFT ने HFCs को फ्री से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। अब इसके निर्यात के लिए एक्सपोर्टर्स को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से NOC लेना अनिवार्य है। प्रेस द बेल आइकन टू स्टे ट्यून फॉर रेगुलर अपडेट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।